देश से जुड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल और रोजाना की अपडेट्स के लिए प्रेस करिए बेल आइकन। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र, दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में से एक ये लोकसभा क्षेत्र और हम खड़े हैं चांदनी चौक विधानसभा में ही, जहां से विधायक हैं अलका लांबा जी। इस क्षेत्र से सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का रहा है पिछले सरकार का कामकाज, किस नेता से उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों की। 5 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, आप यहाँ पे काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं जी? हाँ, ऑटो चलाते हैं। कैसा कामकाज रहा है मोदी सरकार का? हम तो साहब मोदी सरकार का नहीं, हम तो यहाँ केजरीवाल की सरकार में है। ऐसा है, बहुत ही बढ़िया रहा है और विदेशों में हमारी छवि बनी है। सरकार की अच्छी चीज ये लग रही है कि जो हमारी भारतीय जनता सरकार है इसमें कोई डर नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि सरकार है। जो मोदी जी कहते हैं बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा काम करा, खाली लॉट स्पीच करो उसमें अच्छा है, लेकिन उसकी निगाह में नहीं है पब्लिक की। आनंद आ गया जी मोदी सरकार में। हमारे पास तो पैसा नहीं है, पैसा दिलवा दो मोदी से। जब से मोदी जी की सरकार आई है हर आदमी परेशानी में है। बहुत बढ़िया कार्य रहा, देश को बहुत सम्मान मिला, देश को बहुत आगे ले गए। दिल्ली शहर के अंदर यही दो ही मुद्दे हैं जो सबसे जरूरी हैं, एक तो यहाँ दिल्ली का ट्रैफिक और दूसरा यहाँ का पॉल्यूशन। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है यहाँ पर, दूसरा पार्किंग की समस्या है, कंजेशन है यहाँ पर। जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है, चाहे आप किसी से पूछ लें। जो काम कभी नहीं हुआ वो काम अब हो जाता है। जो ये अभी 70 साल में टॉयलेट नहीं बने, जो अभी हमला आया था जो हमला हुआ था अभी, इसमें इन्होंने नंबर वन काम यही हुआ, मेन तो यही है। आज हम सुरक्षित है वो मोदी जी की देन है। सुरक्षित हम पहले भी थे, लेकिन नहीं नहीं, अब मोदी ही देश के लिए आना चाहिए। अगर मोदी नहीं आएंगे तो देश का दुर्भाग्य होगा। हिंदुस्तान को वर्ल्ड पावर बना दिया। बेरोजगारी बहुत बड़ी है सर इस कार्यकाल में। बेरोजगारी कब नहीं थी आप बताएं? पिछले 70 साल में क्या बेरोजगारी नहीं थी? 45 सालों में सबसे ज्यादा हो गई इस सरकार। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। आपके पास जो डाटा है वो मैनिपुलेटेड डाटा है। हमारे को ये बताया जा रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि आपको कौन बता रहा है सर? रोजगार से फर्क पड़ता है, लेकिन सरकार से फर्क नहीं, सरकार रोजगार दे रही है। कम कैसे हो जाएगी यार, इस बीजेपी की हुकूमत में बेरोजगारी बढ़ेगी घटेगी? आप ही सोच लो। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, यही सब मुद्दा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, नोटबंदी से लेके आज तक परेशानी परेशानी है, बहुत परेशानी है। जीएसटी क्या सबको बर्बाद कर दिया, सब बैठे हुए यहाँ पर। सब ये सरकार से ताल्लुक रखती है चीजें, सरकार या आवाम के बारे में सोचे तो सरकार तो कभी हिलेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, मोदी जैसा बंदा नहीं है। अब जो है बीजेपी सभी सीटों पे जीतेगी। 5 साल जो सरकार रही केंद्र में, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, सरकार हाँ जी, उसके दौरान व्यापार कैसा रहा आप लोगों का? व्यापार तो सर ठीक नहीं रहा। ठीक नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं रहा। क्या दिक्कत आ गई सर? मंदा है बाजार में बहुत ज्यादा। क्या कारण? कारण वही है, जीएसटी नोटबंदी वगैरह सब है। यहाँ इन 5 सालों में हम लोगों को समझ के मुताबिक कोई काम ही नहीं हुआ सिवाय महंगाई के, और जो रोजगार में थे वो लोग बेरोजगार हो गए। आपने कहा कि बीजेपी की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वैल्यू है मोदी की। अच्छा, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी। अच्छा, चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है सरकार रिपीट होनी चाहिए या बदलनी चाहिए? रिपीट होनी चाहिए जी। रिपीट होनी चाहिए? हाँ जी। अच्छा है सरकार का? हाँ जी, बढ़िया है। क्या अच्छा लग गया सर इसमें? क्या अच्छा लग गया, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। एक काम जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो? नोटबंदी। नोटबंदी, हाँ, उसमें पसंद क्या आया? बहुत सारे लोगों के तो पैसे, जो लोग परेशान हुए हैं वो पसंद आया, जो लोगों को लाइन में परेशानियां, जो लोग बाग मरे भी हैं, सब कुछ हुआ है, ये पब्लिक को दिखना चाहिए सारी चीजें। काम करा तो करा नहीं है बीजेपी ने हमारे हिसाब से, तो काम नहीं करा। नहीं तो कौन काम कर रहा है सर? हमारे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी काम कर रही है आजकल। आम आदमी पार्टी काम कर रही है। हॉस्पिटल ठीक हो गए हैं, स्कूल ठीक हो गए हैं, कूड़ा करकट की समस्या वैसे ही दिल्ली में बनी हुई, वो एमसीडी का काम सर। बीजेपी में एमसीडी है इस टाइम, बीजेपी एमसीडी, वो करके नहीं देती काम से। अच्छा, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई जो बीजेपी वाले हैं वो काम नहीं कर रहे, इस बात में सच्चाई है? सच्चाई 100% सच्चाई सर। आपको लगता है आने वाले लोकसभा चुनावों में समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी को दिया जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया जाएगा, और ऊपर वाले की दया से आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। केजरीवाल सरकार का ही काम है यहाँ पे जो भी है। अच्छा नेता तो सिर्फ केजरीवाल हो सकता है, लेकिन वो तभी संभव है कि जब केजरीवाल जी को पूरी पावर दी जाए दिल्ली के अंदर। समर्थन की आम आदमी पार्टी को मिलेगा और किसको मिलेगा? केजरीवाल से बड़ी आदमी नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि इस आदमी ने आम पब्लिक के लिए
बिजली पानी की सहूलियत दी है। अच्छा। और बहुत सारी सहूलियतें हैं। आम पार्टी दिल्ली के अंदर आम पार्टी आई। अच्छा, विधानसभा में आम पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से पंकज गुप्ता जी को फील्ड कर रहे हैं। हाँ जी, जानते हैं पंकज गुप्ता को? हाँ जी सर, जानते हैं बिल्कुल, हमारे घर पे मीटिंग हुई है उनकी। अच्छा, तो उनका काम काज कैसा है? नहीं सर, उनको जानते नहीं बिल्कुल जी। उनको जानते नहीं है हम लोग। सर, इसका रीजन क्या है पता तो कीजिए, क्यों है? आप बताएं सर। लोग पसंद करते हैं मोदी जी को। लोग पसंद करते हैं मोदी जी को। और एक कारण व्यापार आपका, आप कह रहे हैं मंदा हो गया थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम तो चाहेंगे मोदी जी आए। अगर झाड़ू और हाथ इकट्ठा हो जाती तो फिर झाड़ू हमेशा के लिए झाड़ू फिर जाना था झाड़ू पे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का वोटर ही तो यहाँ आया सारा। हाँ जी। और आगे विधानसभा में इनको बड़ी दिक्कत हो जानी थी इसके अंदर। आगे विधानसभा में बहुत दिक्कत। अगर आज मान लो कि झाड़ू और कांग्रेस साथ मिल जाते तो जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो सारा खराब हो जाता हमेशा के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म में इनको लाभ मिलेगा। देखो, हर्षवर्धन जी हो या तुम्हारा मनोज तिवारी हो या ये जो सांसद होते हैं ना, ये 5 साल बाद दिखते हैं। सांसद कौन होता है, उम्मीदवार कौन होता है, ये ज्यादा मैटर नहीं कर रहा इस क्षेत्र के लोगों के लिए। मैटर करता है नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का नाम और उनके राष्ट्रवाद से जुड़ी नीतियां। आप देखते रहिए पॉलिटिक्स और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लेकर आएंगे आपके सामने पूरी दिल्ली के लोगों का मिजाज, उनका मूड।